हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ललितेश तिवारी इंग्लिश क्लासेस। आज हम कक्षा 12 की कविता दी नोबल नेचर, जो बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अबाउट दी पोइम के बारे में स्टडी करते हैं। बेन जॉनसन, जिसका जन्म 1573 को हुआ है और 1637 में मृत्यु हुई है, बहुत ही वर्सेटाइल करता होता है, बहुमुखी एंड डोमिनेटिंग प्रभावशाली लिटरेरी साहित्यिक पर्सनैलिटी व्यक्तित्व नॉन जाना जाता है। तो बेन जॉनसन का जन्म 1573 में हुआ और 1637 में मृत्यु हुई है, और उन्हें साहित्य के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा के धनी के रूप में जाना जाता है, और 17वीं शताब्दी के नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, नायक के रूप में और आलोचक के रूप में जाना जाता है। ही इज आइडेंटिफाइड, उनकी जो पहचान है, उनकी शानदार शास्त्रीय और रियलिस्टिक कॉमेडी के रूप में की जाती है। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज, उनकी स्मरणीय याद करने योग्य जो कॉमेडीज हैं वो बॉल पोन है, दी एल्केमिस्ट है, दी साइलेंट वुमन है। दी नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक, नोबल नेचर जो है वो एक लघु गाना है जो बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज, जो हमें एक महान संदेश देता है, जो मानवता को एक महान संदेश देता है कि हम हमारे कार्यों से जिंदा रहते हैं। वी लिव इन डीड्स, हम हमारे कार्यों से जिंदा रहते हैं बजाय उन सालों के जो हमने जिए हैं। दी पॉइंट कंट्रास्ट, और कवि इसी की तुलना करता है। ए मीनिंगलेस, एक अर्थहीन, अनइम्प्रेसिव, अप्रभावशाली, लंबा जीवन की जो तुलना है वो एक शॉर्ट लाइफ, एक लघु जीवन जो अच्छे कार्यों से और श्रेष्ठ कार्यों से भरा हुआ है उससे करता है, और इनकी तुलना वो प्रकृति के दो प्रतीकों के माध्यम से करता है, ओक और लिली के माध्यम से। ओक और लिली के माध्यम से जॉनसन जो है वो विस्तृत रूप से डिसेमिनेट्स, वो प्रचार करता है, डिसेमिनेट्स प्रचार करना, दैट दी बर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन की जो योग्यता है, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, अच्छे जीवन जो है उसकी मात्रा जो है उसको नापा जाता है उसके कार्यों से बजाय उन सालों के जो उसने जिए हैं। बट ऑन दी बेसिस ऑफ अचीवमेंट, उन उपलब्धियों के आधार पर किए जाते हैं, श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर किए जाते हैं, जो इटर्निटी ऑफ टाइम, शाश्वत समय पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। लीव माने छोड़ना, इम्प्रिंट्स माने छाप छोड़ते हैं। अब हम कविता पर आते हैं। इस कविता को पढ़ने के लिए हम इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि हमें एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ना है। इन वल्प, जो भारी है, डज मेक मैन बेटर भी, और जो आदमी है वो भी अच्छा नहीं हो सकता। और स्टैंडिंग लॉक एंड ओक 300 ईयर्स फॉल एज लॉक एट लास्ट डाई वॉल्ड एंड सीयर। इस पैराग्राफ में हम अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले उन्होंने ओक के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओक है वो 300 साल तक खड़ा रहता है, ना वो फल देता है ना फूल देता है, और अंत में वो एक लकड़ के रूप में सूखा, पत्ते रहित और निर्जन गिर जाता है। इसी तरीके से एक मानव प्राणी जो लंबे समय तक जिंदा रहता है और वह अपने जीवन में कुछ नहीं करता है, तो उसका जीवन भी उस ओक की तरह निरर्थक है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, हमें उस ओक की तरह नहीं बढ़ना चाहिए जो कि कैसा है, भारी है, विशाल है। इसी तरीके से एक व्यक्ति जो बहुत से साल जिया है लेकिन उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ए लिली ऑफ ए डे, जो लिली है वो केवल दिन का राजा है, वो केवल दिन में खिलता है और मई के महीने में बड़ा ही सुंदर खिलता है। इज फिरेर फार इन मे, ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि जो लिली जो है वो जिस दिन उगता है उसी दिन वो समाप्त हो जाता है, अर्थात वो रात्रि आने से पहले ही मुरझा जाता है या समाप्त हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसी के कारण यह जो पौधा है और जो फूल है वो प्रकाश का है, अर्थात वो दिन में ही खिलता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, एक छोटी अवधि में ही, अर्थात एक ही दिन में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम उसमें सुंदरताएं देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर लाइफ में भी परफेक्ट,
और संक्षिप्त काल में ही उसका जो जीवन है वो पूर्ण हो सकता है। अर्थात इसी तरीके से एक मानव प्राणी जिसका जीवन अच्छे कार्यों से भरा हुआ है, वह भी उस लिली की तरह उसका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है। चाहे उसने अपने जीवन में कम ही साल जिए हो, लेकिन यदि उसका कार्य हीरोइक डीड्स, गुड डीड्स एंड वर्थवाइल डीड्स से भरा हुआ है, तो उसका जीवन सैकड़ों साल जीने वाले व्यक्ति से कहीं अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।